कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रद मनिंदित मंग्रि पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेश जंतु पुताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस्तस्याहमेश किल संस्तवनं करिष्ये। चलिए आज 11वें काव्य को अपन पहले गद्य के रूप में पढ़ते हैं। यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः सोपित्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन सोपित्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजः पैसाथ एन विद्यापिता हुतभुजः पैसाथ एन पीतन्नकिन् तदपि दुर्धर वाडवेन पीतन्नकिन् तदपि दुर्धर वाडवेन यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावा यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावा सोपित्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन सोपित्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजः पैसाथ एन विद्यापिता हुतभुजः पैसाथ एन पीतन्नकिन् तदपि दुर्धर वाडवेन पीतन्नकिन् तदपि दुर्धर वाडवेन इस 11वें काव्य में अक्षर कुमुद चंद्र महाराज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, यस्मिन यानि जिसके विषय में, हरप प्रभृते अपि यानि अन्य जो देवी देवता हैं, हतप प्रभावा यानि जिनका प्रभाव क्षीण हो गया, प्रभाव से रहित हो गए, स रतिपति अपि त्वया क्षणेन क्षपिता, ऐसे कामदेव को आपने जो रति का पति कहलाता है आपने क्षण भर में ही
नष्ट कर दिया। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि एन पैसा हुत बुझा विद्या पिता, जिस जल के द्वारा अग्नि बुझा दी जाती है, तत अपि दुर्धर वाड़वेन किम ना पीतम, क्या वह दुर्धर बड़वानल के द्वारा वह जल नहीं पी लिया गया, अर्थात अवश्य ही पी लिया जाता है। यहाँ पर उदाहरण ऐसा दे रहे हैं कि जिस जल से सारे संसार की अग्नि बुझ जाती हैं, उस जल को भी बड़वानल, जो समुद्र की अग्नि होती है, वो उस जल को भी सुखा देता है। तो यहाँ उदाहरण इसको दिया है और बात कही है कि जिस काम के विषय में सारे संसार के रागी देशी हार गए हैं, उस काम पर आपने विजय प्राप्त की है। मतलब आप कितने शक्तिशाली हैं, आप संसार में सर्वोच्च हैं, कि जिसके विषय में सारा संसार परास्त हो गया, उसको आपने, जिसने पूरे संसार को जीता है, उसको आपने विजय प्राप्त की। और उदाहरण में कह रहे हैं कि जिस जल ने सारी अग्नियों को बुझा दिया है, लेकिन उस जल को भी जो बुझा दे, सुखा दे, वो बड़वानल कितना शक्तिशाली होगा। इस प्रकार के उदाहरण के माध्यम से इस 11वें काम में पार्श्वनाथ भगवान के, जिन्होंने, जिनके लिए अपन बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं, लेकिन बाल शब्द के साथ में यदि अपन बाल तप देखें, बाल मरण देखें और बाल व्रत देखें, ये सभी वहाँ पर अच्छे अर्थ में नहीं परिभाषित हैं। यानी बाल तप उसको कहा जाता है जो अज्ञान पूर्वक किया जाता है, और बाल मरण को भी वहाँ पर बिना व्रतों के साथ में मरण को बाल मरण कहा जाता है, और बाल व्रत को भी वहां पर अज्ञानता के साथ में व्रतों को कहा जाता है। इसलिए बाल ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग ना करके आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में वहां पर लिखा, अभुक्त्वापि परित्यागात सोच्छिष्टम विश्वमासितम एन चित्रण नमस्तस्मै कौमार ब्रह्मचारिणे। वहां पर उन्होंने शब्द दिया कौमार्य ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी ना लेख कह करके कौमार्य ब्रह्मचारी शब्द से संबोधित किया, कि जिन्होंने बिना भोग के ही सारे भोगों को त्याग कर दिया, ऐसे जो कि आश्चर्यचकित करने वाले संसार में हैं, उनके लिए नमस्कार हो, जिनके लिए उन्होंने कौमार्य ब्रह्मचारी के रूप में संबोधित किया। पार्श्वनाथ भगवान जब गृहस्थ अवस्था में थे, उस समय में आप लोग पूजा में पढ़ते हैं कि भये जब अष्टम बरस कुमार, क्या पढ़ते हैं, नहीं याद पार्श्वनाथ भगवान की, इसमें धरे अणुव्रत महासुखकार, अणुव्रतों को उन्होंने धारण किया। छायिक सम्यक दृष्टि वैसे अणुव्रती बहुत कम होते हैं, और छायिक सम्यक दर्शन के साथ में तिर्यंच तो अणुव्रती होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया है और पहले इसने तिर्यंचायु को बांध लिया है, तो वो भोग भूमि में जाता है, और भोग भूमि में वहां पर अणुव्रत आदि नहीं होते हैं, चौथे गुणस्थान तक की स्थिति होती है। तो वो जो छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, बहुत कम अणुव्रति के धारी होते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के बारे में आता है, इस पूजा में भी आप पढ़ते हैं, और आचार्य गुणभद्र स्वामी ने ही उत्तर पुराण की भी रचना की है। महापुराण का जो 23 तीर्थंकरों का वर्णन जिसमें है, उस उत्तर पुराण में उन्होंने वहाँ पर लिखा है 53वें पर्व में कि स्वायु राद्यष्ट वर्षेभ्य सर्वेषां परतो भवेत् उदिताष्ट कषायाणां तीर्थेषां देश संयमः। तीर्थंकर भी वहाँ पर अपनी 8 कषायों के उदय में और 8 कषायों के अभाव में वहाँ पर अणुव्रतों के धारी 8 वर्ष में हो जाते हैं। 8 वर्ष कब से लगाते हैं, जैसे ही उनकी पूर्व की आयु, जो प्राणस्वर की आयु समाप्त हुई,
और वहीं से अगली 8 वर्ष की आयु प्रारंभ हो जाती है, यानी गर्भ का काल भी उसमें सम्मिलित है। और उन्होंने उस समय में 8 कषायों का ही उनका उदय था। पहली चौकड़ी जब जाती है तो उससे अनंतानुबंधी पर विजय प्राप्त होती है, दूसरी चौकड़ी जाती है इससे यानी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है पहली चौकड़ी के जाने पर, दूसरी चौकड़ी के जाने पर अणुव्रत, तीसरी चौकड़ी जब जाती है तब महाव्रत प्राप्त होते हैं, और चौथी चौकड़ी जब जाती है तब यथाख्यात चारित्र यानी आत्मा का जो निर्मल चारित्र है कषायों के अभाव में, वो 11वें 12वें गुणस्थान का यथाख्यात चारित्र प्राप्त होता है। तो उन्होंने अणुव्रतों को धारण कर लिया, इस प्रकार से व्रती जैसी उनकी चर्या हो जाती है। और जब विवाह की बात आई, 16 वर्ष के थे और उस समय में उनके पिता ने उनसे विवाह के लिए चर्चा की, जिसका वर्णन पार्श्व पुराण में भूधरदास जी ने दोहे के रूप में किया है। अश्वसेन भूपाल तब बोले अब सर पाए, नेह सलिल भीजे बचन सुनो कुमर जगराय, एक राज कन्या बरो करो उचित व्यवहार, बंस बेल आगे चले सुख पावे परिवार, नाभिराज की आस ज्यों भरी प्रथम अवतार, तथा हमारी कामना पूरन करो कुमार। बहुत सरल हिंदी है, समझ में तो आ रहा है ना, कि वहां पर उन्होंने कहा कि जैसे नाभिराय की आस को आदि कुमार ने पूर्ण किया था, वैसे ही आप भी हमारी आस को पूर्ण करो, विवाह करो। सुन करके क्या उत्तर देते हैं, पिता वचन सुन प्रभु दियो प्रत्युत्तर तिहि बार, ऋषभ देव सम में नहीं देखो ही ये विचार, मेरी सब 100 बरस थिति 16 भय बीती, 30 बरस संजम समय फिर मत कहो पुनीत। उनकी आयु तो 1 लाख पूर्व उस समय में बची हुई थी जब उन्होंने वैराग्य को धारण किया, और उनके विवाह जो हुआ था उससे लेकर के उनका बहुत समय लंबा समय था। अब हमारी यहाँ तो केवल 100 बरस की केवल आयु है, उसमें 16 चले गए हैं और 30 बरस में हमें संयम को धारण करना है। अब अधिज्ञानी होते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि फिर मत कहो पुनीत, हे पवित्र आत्मा फिर से कभी ऐसा प्रस्ताव मत रखो। अल्प काल थिति अल्प सुख अल्प प्रयोजन काज, कौन उपद्रव संग्रहे समुझी देख नरराज, सुर सुरेंद्र लोचन भरे रहे बदन बिलखाय, पुत्र ब्याह बरजन वचन किसे नहीं दुखदाय। उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए और कह रहे हैं कि पुत्र के विवाह का वर्जन यदि पुत्र मना कर दे तो कौन ऐसा पिता होगा जिसका कि दिल नहीं दुखेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने विवाह का जो प्रस्ताव था उसको उन्होंने निषेध कर दिया, और उसके माध्यम से बाद में जब 30 वर्ष व्यतीत हुए, भगवान पार्श्वनाथ का 30वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था, उनका जन्म पौष वदी एकादशी को हुआ है और उसी दिन उन्होंने दीक्षा धारण की। 20 से ज़्यादा तीर्थंकर ऐसे हैं
कि जिनका जन्म दिवस के दिन ही उनका दीक्षा कल्याणक है। और उन्होंने वहाँ पर जब सारे राजाओं के राजदूत भेंट लेकर के आए थे, और उस समय अयोध्या के राजदूत ने बताया कि अयोध्या में सब कुशल है, और अयोध्या में जो आदिनाथ भगवान के कारण वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, और जहाँ पर श्री राम भी हुए हैं, ऐसे अयोध्या में क्या कुशल नहीं होगी। और सुनकर के उस समय में पार्श्व कुमार के मन में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का तीर्थंकर शब्द उनके मन में विचरण करने लगा कि उन्होंने तो तीर्थ का प्रवर्तन करके और मोक्ष कल्याणक को प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं किन छोटे उत्सवों में उलझा हुआ हूँ। जब तक तीर्थंकर भी घर में हैं तब तक तीर्थ का प्रवर्तन नहीं हो सकता, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और उसी समय में उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन करके वैराग्य के पथ पर अपने कदमों को बढ़ा दिया, और इस प्रकार से उन्होंने पौष बदी 11 के दिन दीक्षा को धारण किया। तो इस काव्य में कहा गया है कि जिसके विषय में अन्य रागी देवी देवता तो वहाँ पर हार गए, लेकिन आपने उस काम पर बड़ी सहजता से विजय को प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान, आपने जैसे काम पर विजय प्राप्त की है, वैसे संसार में कोई दूसरे नहीं देखते। भगवान की तो बात ही क्या, भगवान के आश्रय को लेकर के भक्त भी उनके माध्यम से काम पर विजय को प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने वो कथानक सुना होगा कि जिसमें अयोध्या के राजा विजय स्यंदन थे, और उनकी पत्नी हेमचूला से सुरेंद्र मन्यु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और सुरेंद्र मन्यु का विवाह कीर्ति समा नाम की रानी उनकी थी, यानी राजकुमारी से विवाह हुआ। और उनकी वहां पर जब दो संतानें उत्पन्न हुई, उनके नाम वज्रबाहु और पुरंदर थे, और वज्रबाहु बड़ा पुत्र था, उसका विवाह उन्होंने हस्तिनापुर के राजा इववाहन और उनकी रानी चूड़ामणि से, एक मनोदया नाम की सुंदरी उत्पन्न हुई थी, उसके साथ में उसका विवाह किया। विवाह होने के बाद वो वज्रबाहु राजकुमार अपनी पत्नी के राग में इतना लीन हो गया कि जब सावन पर लेने के लिए उदय सुंदर मनोदया का भाई जब आया, और उसने अपने जीजाजी से निवेदन किया कि आप भी चलिए, तो पत्नी के मोह में कि मैं कैसे अकेले रह पाऊंगा, और पत्नी के साथ में ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए। और लश्कर राजाओं के पुत्रों का जब चलता है तो उसमें बहुत सारे लोग तो लेने के लिए आए थे, और यहाँ उस लश्कर में सब चल रहे थे, ये हाथी के ऊपर सवार, और चलते चलते प्रकृति के दृश्य को देखते देखते इनके मन में एक दृश्य पर उनकी दृष्टि ठहर गई। वहाँ पर एक मुनिराज बहुत दूर में वहाँ पर ध्यानस्थ थे, और उनको देख करके मन में सोचने लगे कि इनका जीवन कितना अच्छा है, इन्होंने सारे राग देश के बंधनों को तोड़ करके और अपनी आत्मा में तल्लीनता को प्राप्त करके अपने आत्म तत्व का अनुभव कर रहे हैं, और मैं अपनी पत्नी के राग में बंधा हुआ डूबता हुआ उनको प्राप्त करने के लिए, उनके साथ में लज्जा को छोड़कर के भी जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ।
और जब एक टक होकर के अपने दृष्टि से वहां पर देखने लगे तो उस समय उनके साले ने पूछा कि जीजाजी आप इस प्रकार से देख रहे हैं, कहीं आपके मन में दीक्षा लेने के विचार तो नहीं चल रहे? और साथ साथ में कहा कि जीजाजी आप यदि दीक्षा लोगे तो बहुत प्रभावना होगी, सुंदर राजकुमार यदि साधु बने तो उनको देख करके बहुत सारे लोग भी प्रभावित होते हैं और मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। आचार्य श्री जब युवावस्था में बुंदेलखंड में आए थे और उनकी सुंदरता को देख करके बहुत सारे जो उनसे दीक्षित हुए हैं उसमें बहुत सारे लोगों के मन में यही भाव था कि इतने सुंदर राजकुमार जैसे शरीर के धारी होकर के भी ये विषयों में नहीं फंसे तो हमारे पास क्या है। ऐसे भावों से वो भी उनके चरणों में समा गए। एक मुनिराज के वचन कि जब हमने आचार्य श्री को देखा और आचार्य श्री के आहार करते समय में कांच की झारी में अनार का रस और उसके सामने आचार्य श्री की उंगलियां ज्यादा लालिमा लिए हुए दिखाई दे रही थी, वो अनार का रस उनके सामने फीका था। ये मुनिराज के वचन हैं जो आचार्य श्री से दीक्षित हुए हैं। उनकी ऐसी सुंदरता को देख करके और उनके मन में भी वैराग्य के अंकुर फूट पड़े और वो भी आचार्य श्री के चरणों में समर्पित हो गए। तो जहां जब साले ने ऐसा कहा कि कहीं आपके मन में तो दीक्षा लेने के भाव नहीं हो रहे हैं और यदि आप दीक्षा लेते हो तो मैं भी आपके साथ में दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं, जैसे ही ये कहा तो उन्होंने अपने भावों को वहां पर दबा करके कहा कि मेरी बात तुम छोड़ो और तुम्हारे लिए यहां पर ये मन में वैराग्य के भाव कि मैं दीक्षा लूं तो तुम दीक्षा लोगे इस बात की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और तुम्हें दीक्षा लेना हो नहीं लेना हो तुम जानो, तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है कि मैं दीक्षा लूंगा जबकि तुम भी दीक्षा लोगे, और वाकई में मैं तो इस बंधन को तोड़ करके दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ता हूं। जैसे ही उदय सुंदर ने अपने जीजाजी के मुख से ये बातें सुनी तो वो घबरा गए कि हमने तो यहां पर मजाक किया था और इन्होंने तो बिल्कुल इसको दिल पर ले लिया और ये दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, और वो रोने लगता है। और उस समय में वज्रबाहु कहते हैं कि भले ही मजाक मजाक में कोई रोग की दवाई यदि खिला दे तो क्या वो रोग को दूर नहीं करती? भले ही तुमने मजाक मजाक में ये बात कही है लेकिन इसने मेरे मोह को तोड़ दिया है, इसलिए मैं अब उस पथ पर आगे बढ़ता हूं जो सारे राग देश मोह के बंधनों को तोड़ने वाला है। और हाथी से उतर करके वो उस पर्वत की ओर बढ़ने लगते हैं। यहां पर सारे के सारे लोग एकदम चौंक जाते हैं और उनके आंसू बहने लगते हैं, वो रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन जिसके मन में वहां पर वैराग्य के भाव उमड़ गए हैं, जहां काम के बंधन में अपनी ससुराल को जाने के लिए जो तैयार था आज जो है उस काम के बंधन को तोड़ करके और गुरुदेव के पास में पहुंच करके निवेदन करता है कि मैं आपके शरण में समाना चाहता हूं। और वो समय चौथे काल का जहां पर वैराग्य की भावना देख करके दिव्य ज्ञानी मुनिराज ने आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने अपने केशलोंच प्रारंभ कर दिए और जो लेने गए थे ऐसे 26 राजकुमार भी वहां पर उनको देख करके वैराग्य के भावों से भर करके साथ साथ में दीक्षित हो जाते हैं। और मनोदया भी जब सोचती है कि सारे लोग दीक्षित हो रहे हैं और मैं भी इस मार्ग पर आगे बढ़ूंगी, और वो भी जाकर के किन्हीं आरिका के पास में दीक्षित हो जाती है। और ये खबर जब
उनके यहाँ पर पहुँचती अयोध्या में, तो उस समय में अभी दादा विजय स्यंदन भी बैठे हुए हैं, पिता भी बैठे हुए हैं सुरेंद्र मन्यु, और उस समय में दादा को लज्जा आती है कि देखो हमारा नाती तो कितना आगे निकल गया दीक्षा के लिए और दीक्षित हो गया और मैं अभी तक इस संसार में फंसा हुआ हूँ। वो अपने पुत्र से बोलते हैं कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। पिता सोचते हैं सुरेंद्र मन्यु के पुत्र चला गया और छोटा जो पुत्र था पुरंदर उसका राज तिलक करके और स्वयं भी अपने पिता के साथ में जाकर के निर्वाण घोष मुनिराज के पास में दीक्षित हो जाते हैं। तो ऐसे साधुओं को देख करके वहां पर जो काम के वशीभूत थे, रतिदेव रति के पति से ग्रसित थे, वो भी जहां उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां भगवान के लिए कह रहे हैं कि जिस विषय में सभी लोग जिन्होंने अपने प्रभाव को खो दिया है, हार गए हैं, ऐसे रतिपति को आपने क्षण भर में जीत लिया है, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। और उदाहरण देते हुए भी कि जिस पानी ने सारी अग्नियों को बुझाया है, क्या उस पानी को दुर्धर बड़वानल नहीं सुखा देता, अवश्य ही उसको सुखा देता है। इसमें एक प्रसंग हमने आप लोगों के लिए पहले सुनाया था कि जिसमें एक तपस्वी जब तपस्या करता है तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी तुमने विवाह नहीं किया है और तुम्हारा अभी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, तो तुम्हारे लिए अभी सदगति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो वो जाकर के अधेड़ अवस्था में विवाह की गुजारिश करता है और कोई उसको कन्या देने के लिए तैयार नहीं होता, तो एक विधवा के साथ में विवाह करके एक कन्या उसके लिए प्राप्त हो जाती है। और उस कन्या को छोड़ करके जब वो 16 साल की हो जाती है, तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार करते हैं और उस समय में विचार करते हैं कि किसको सौंप करके जाएं, कोई भी इसकी जो है संरक्षण नहीं करेगा। फिर बाद में सोचा कि यमराज किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है, उसको दे करके जाएं, और यमराज को दे करके गए तो यमराज भी उस पर मोहित हो गए और उसको अपने उदर में वो स्थापित करके रखते थे। एक बार जब वो थोड़े समय के लिए उसको निकालते थे, इसी बीच में अग्नि देव आकर के उस पर मोहित हो गया और उसने कहा कि वो यमराज आने वाले हैं, यदि आपको देखेंगे तो आपका पीछा करके आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उस समय में वो कहता है कि मैं वैसे ही काम के बस में मारा जा रहा हूँ, उनके द्वारा मरना मुझे स्वीकार है लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो उस छाया नाम की कन्या ने अग्नि को अपने उदर में रख लिया और कहते हैं उस अग्नि के उदर में जाने से पूरे संसार में अग्नि का अभाव हो गया और सारे लोग वहां पर त्राही त्राही मच गई। तब उस समय में पवन को, वायु को कहा कि तुम खोज करके लाओ, और वायु ने देखा तो कहा सभी देवताओं को भोजन पर बुलाओ और सबके लिए आसन रखे गए। और उस आसन में जब यमराज के लिए 3 आसन रखे गए तो उसने पूछा कि हमारे लिए 3 आसन क्यों, तो कहा तुम्हारे उदर में जो है उसके लिए बाहर निकालो। उसको जब बाहर निकाला तो उसके बाद में उससे भी कहा कि तुम्हारे उदर में जो है उसको बाहर निकालो। जैसे ही अग्निदेव को बाहर निकाला तो यमराज उसको पकड़ने के लिए पीछे भागे और कहते हैं उसके समय ही अग्नि ने पत्थरों में और वनस्पति में प्रवेश कर लिया, जिससे कि उनको आपस में रगड़ करके अग्नि की उत्पत्ति की जाती है, ऐसा कथानक मिलता है। तो इसके माध्यम से संसार में जितने भी अन्य देवी देवता हैं वो सभी काम के विषय में हार चुके हैं, लेकिन भगवान आपने उसको क्षण भर में विजय प्राप्त कर ली। अन्य जगह पर ऐसा भी होता है कि अपने आप को तपस्वी कहते हैं और साथ साथ में परिवार भी रखते हैं, पत्नियां भी रहती हैं। एक बार एक संघ जा रहा था और रास्ते में रुकना हुआ और वो तपस्वी की वहां पर कुटी थी, वो वहां से आ गया, कहने लगा आप भी तपस्वी हो, हम भी तपस्वी हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो दिखाई दे रही हैं वो कौन है, कहने वो हमारी पत्नी है। तो कहले तुमने सारा घर को छोड़ दिया और एक यहां पर फिर नया संसार बसा लिया, पत्नी आ गई,
गृहिणी आ गई तो घर बस गया, सब कुछ हो गया, फिर अपने आप को तपस्वी कैसे कहते हो? तब उसको समझ में आया कि वास्तव में यहां पर जहां यदि विवाह हो गया तो वहां पर तपस्या कैसे हो सकती है। और उस समय में उसकी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन उसने पत्नी से कहा कि सही रास्ता तो जो वैराग्य का है उसमें अकेले ही चलना पड़ता है। पत्नी ने कहा कि आप चलो, अभी तो मेरे शिशु गर्भस्थ है, जब तक वो जन्म नहीं लेता तब तक मैं भी अकेले चलने में समर्थ नहीं हूं। और उसके इस प्रकार से कहने पर उसने जाकर के उन्हीं साधु से दीक्षा ले ली। और जब संतान उत्पन्न हो गई उसके बाद में उस माता ने भी कि इस पुत्र का जो होना होगा होगा, मैं तो दीक्षा लेने जाती हूं, वो भी जाकर के दीक्षित हो गई। उस शिशु को जृंभक नाम के देवों ने आकर के उनका पालन किया, उनके लिए शिक्षाएं दी, उनके लिए आकाशगामनी विद्या आदि भी सिद्ध करवाई इस प्रकार से। और बाद में जब वो अपने माता पिता जो कि मुनिराज और आरिका बन चुके हैं उनके पास जाते हैं, तो उनके लिए भी अणु व्रतों को, छुल्लक के व्रतों को धारण करने की भावना हो जाती है। और वही नारद का रूप है जो अणुव्रती के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर तपस्वी के माध्यम से भी वहां पर जो सच्चे तपस्वी रहते हैं उनको देख करके अन्य के लिए भी कि जब तक काम पर विजय प्राप्त नहीं करते वास्तव में वो वहां पर पूर्ण विजय नहीं है। जिसका घर है, जिसकी गृहिणी है, वो तपस्वी नहीं हो सकता। तो इस काव्य में अपने लिए यहाँ पर जो भगवान की जिस पर जिसने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली है उस पर भगवान ने विजय प्राप्त की है, तो भगवान कितने शक्तिशाली हैं ये इस काव्य के माध्यम से अपने लिए ज्ञात होता है। इसका अपन उच्चारण कर लेते हैं। यस्मिन् हर प्रभृतयोपि हत प्रभावा सोपित्तया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन इसमें सोपी में भी वहां पर स्वराघात होगा, सोपी पे रुकना नहीं है, सोपी में ही अपने को ताक को जोड़ना है। सोपित्तया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्या पिता हुत भुज पै साथ एन पीतन्न किंतदपि दुर्धर वाडवेन स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला हरियादि जिससे हारे जीता है क्षण में जिनवर उस काम देव को तुम बड़वाग्नि सोखे ज्यों जल जिस जल ने है बुझाई जग की अशेष ज्वाला
कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, ये स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।